दोस्तों IS 300 2011 कस्टमर का कंप्लेंट है कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है। रात को रिकवरी पे लेकर आया, स्टार्ट नहीं हो रहा है। सलप मार रहा है, इंजन क्रैंक हो रहा है, क्रैंकिंग हो रहा है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है। अब इसको करते हैं डायग्नोस। ऑटोलैंड का स्कैनर है, मेड इन ताइवान। टोयोटा एलेक्सिस, इसको चेक करते हैं कि इसमें क्या मसला आया है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कोई DTC नहीं है, कोई फॉल्ट कोड नहीं है। इसका इंजन क्रैंक टाइम के ऊपर RPM भी ऊपर जा रहा है, तो इसके जो फ्यूल है, फ्यूल गेज उसमें भी पेट्रोल शो हो रहा है, फ्यूल शो हो रहा है, कोड कोई नहीं है। तभी चेक करते हैं सबसे पहले इसका फ्यूल प्रेशर, क्योंकि इसका कोई कोड नहीं आ रहा है, नो फॉल्ट कोड। तो चेक करते हैं फ्यूल प्रेशर, स्टेप बाय स्टेप इसको पूरा डायग्नोस करते हैं, चेक करते हैं। तो ये है हमारा फ्यूल प्रेशर गेज फ्यूल किट के साथ। ये मैंने लिया था 170 दरहम में लिया था फुल किट। तब इसको कनेक्ट करते हैं और गाड़ी को क्रैंक करके चेक करते हैं।
तो फ्यूल प्रेशर बिल्कुल नहीं आ रहा है, फ्यूल का प्रेशर बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे फ्यूल गेज में पेट्रोल शो हो रहा है लेकिन पेट्रोल का प्रेशर बिल्कुल नहीं है, फ्यूल प्रेशर बिल्कुल नहीं है। तो इसका कॉमन फेलियर के बारे में बात करते हैं। जितने भी लेक्सीज है, GSA, ISF है, ये इसका जो कॉमन फेलियर है वो आज आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। कस्टमर समझता है कि इसमें पेट्रोल है, इसमें पेट्रोल नहीं है, फ्यूल पम्प ख़राब है। तो ज़्यादातर केसेस में फ्यूल पंप भी ख़राब हो सकता है लेकिन फ्यूल पंप का ये मसला नहीं है। अभी ये जो है पीछे का सीट मैंने हटाया है, इसमें फ्यूल गेज भी है, फ्यूल पंप भी है। इसका जो पैसेंजर साइड के पीछे है उसमें सिर्फ फ्यूल गेज है। तब हम पूरा इसका डायग्राम बताएंगे कि इसका फ्यूल टैंक कैसा आता है, उसमें क्या फॉल्ट आ सकता है, ये ज़्यादा कॉमन फेलियर है, पेट्रोल शो हो रहा है लेकिन पेट्रोल नहीं आ रहा है, इसमें ज़्यादा क्या प्रॉब्लम आता है, फ्यूल पंप ख़राब होता है, क्या ख़राब होता है। तो हमें हम डायग्राम के साथ इसको आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो इसका फॉल्ट भी निकालते हैं कि इसमें क्या फॉल्ट है। तो जितने भी GSA, ISA, ISF है, ESA, तो इसका जो फ्यूल टैंक है वो इस प्रकार का बना होता है। तो ये इस प्रकार का आता है, GS, Lexus जो भी है। तो ये फ्यूल टैंक है, ये। तो क्या होता है, इसमें दो फ्यूल गेज है। ये पैसेंजर साइड के सीट के नीचे जो साइड आता है वो है, ये एक है फ्यूल गेज हो गया, ये मेन फ्यूल गेज है और फ्यूल पंप है। इसमें फ्यूल पंप एक ही होता है। तो कभी कभी क्या होता है, इसमें एक पाइप होता है जो फ्यूल पंप से इस यहाँ पे आता है। तो ये पाइप होता है यहाँ का पेट्रोल और यहाँ का पेट्रोल का लेवल सेम रखने के लिए। तो कभी कभी इसमें हवा आ जाता है या कुछ कचरा आ जाता है या कुछ भी हो जाता है, तो फिर क्या होता है, ये गाड़ियों में ज़्यादातर मसला पेट्रोल ना होने का होता है, जब स्टार्ट नहीं होता है। फ्यूल पंप भी ख़राब हो सकते हैं लेकिन मैंने जो जितने भी ज़्यादा देखा 97% 98% जो है गाड़ी में पेट्रोल नहीं होता है, रास्ते में गाड़ी बंद हो जाता है। तो यहाँ पे पेट्रोल ज़्यादा होता है, यहाँ पे पेट्रोल बहुत कम होता है, ये लेवल इसका सीधा नहीं आता है। तो यहाँ फ्यूल पंप चलता है लेकिन पेट्रोल इंजन में नहीं आता है, ठीक है। और यहाँ का पेट्रोल यहाँ नहीं आता है क्योंकि इसमें कोई फ्यूल पंप नहीं है, सिर्फ फ्यूल गेज है। तो फ्यूल गेज में तो पेट्रोल शो कर रहा है, ये फ्यूल गेज में नहीं शो कर रहा है। तो इसका सिस्टम ही इतना ऐसा सिस्टम दिया है कि आदमी समझ नहीं पाता है, पेट्रोल है गाड़ी में, गाड़ी स्टार्ट नहीं होता है, पेट्रोल हाफ़ है। कभी कभी ऐसा गाड़ी भी देखा मैंने कि यहाँ पे हाफ़ होता है पेट्रोल और यहाँ बिल्कुल खाली होता है, पाइप भी बिल्कुल सही रहता है, सब कुछ सही रहता है। तो कभी कभी ये गाड़ियों में ये बहुत ज़्यादा मसला है। तो इसमें आपने कुछ भी नहीं करने का है, सिर्फ आपने पेट्रोल भरना है, गाड़ी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसमें हम पेट्रोल भर के चेक करेंगे, अगर फ्यूल पंप ख़राब ना हुआ तो इसका ख़राब है, ये फ्यूल का मसला है। अगर फ्यूल पंप ख़राब है वो अलग मैटर है। तो बाकी चीज़ चेक करने से पहले हम इसमें पेट्रोल डालते हैं। जितने भी लेक्सीज आए मेरे पास GS जैसा, ज़्यादातर का प्रॉब्लम यही आता है, यहाँ से पेट्रोल यहाँ नहीं आता है। कस्टमर सोचते हैं कि गाड़ी में पेट्रोल है क्योंकि ये इसमें
गेज में पेट्रोल शो कर रहा है, इसका जो ये साइड है ये बिल्कुल खाली रहता है। तो ये मैन्युफैक्चरर बहुत ही, इसने जो जिसने भी बनाया बिल्कुल फजूल मैन्युफैक्चरर है। ये ज़्यादातर गाड़ियाँ रोड में बंद होती है इसी वजह से। इसका इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है, ये पाइप के दर ही है, ये पाइप के दर ही है। और इधर एक फॉर एग्जांपल ऐसा ये टैंक हो गया, और इधर थोड़ा जगह होता है पेट्रोल पास होने के लिए, लेकिन जब तक ये फुल ना हो यहाँ से पेट्रोल इधर नहीं आएगा, या ये फुल ना हो यहाँ से पेट्रोल इधर नहीं आएगा। तो आपने अगर फुल किया तो यहाँ से पेट्रोल भी फुल हो गया, इसमें भी फुल हो गया, फिर यहाँ से कभी वापस नहीं आता है। तो ये गाड़ियों में कभी कभी हवा ले लेता है, तो फिर इसमें यही मसला आता है। आपने डायरेक्ट फ्यूल पंप को चेंज नहीं करना है। अगर फ्यूल अंदर गेज में शो भी कर रहा है तो आपने इसमें फ्यूल डालना है सबसे पहले, अगर फ्यूल का मसला है। पेट्रोल लेकर आया दोस्तों, अभी पेट्रोल डालेंगे, देखेंगे कि मसला हाल होता है कि नहीं। ये 20 लीटर है इसमें, ट्वेंटी लीटर। गाड़ी स्टार्ट हो गया है। तो ये गाड़ी में ये मुसीबत आता है कि इसका टैंकी के अंदर हवा आ जाती है, उस वहाँ से पेट्रोल यहाँ नहीं पहुँचता है। जीएस हो गया, जो भी है, लेक्सिस नया मॉडल है पूरा, इसमें ये मुसीबत आ रहा है। वीडियो देखने का शुक्रिया। गाड़ी बिल्कुल रेडी हो चुका है, कोई इंजन लाइट नहीं है।